राणा साहब आपने तो कहा था हरे
एक बार देखो नहीं जनता ने दो हजार चुकी है बड़ा पता लगे मुट्ठी बनी है बाबा चुकी है बोले भारत माता की भारत माता की। मैं बैठे हुए हमारे साथ हमारे बड़े ही वरिष्ठ नेता माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी के वरिष्ठ लोग मैं एक बार नाम पढ़ के सुना दूंगा जो मेरे पास सूची है। माननीय प्रेम सागर अजीज जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है और जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार देखते हैं एज ए प्रभारी बड़े भाई आदरणीय तरुण चुग साहब हमारे बीच हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा के सांसद श्रीमान शमशेर सिंह मनासी श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया जी हमारे महामंत्री और इस मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी युद्धवीर सेठी जी बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे जॉइनिंग्स के लिए जितने भी कार्यकर्ता आए हैं हमारे नौजवान माताएं बहनें तमाम साथियों को मैं दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं आपको खुशामदीद कहता हूं। साथियों हमें बेहद खुशी है कि एक जन समुंदर आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहा है। एक जन समुंदर में देख रहा हूं और उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबसे बड़ी बात ये जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं जो कि हिंदुस्तान की एक फौज है ये हिंदुस्तान के सपाही हैं ये गुजर बकरवाल मैं आप सबका यहाँ खैर मकदम करता हूँ आपको खुशामदीद करता हूँ। आपने हमेशा एक बात देखी होगी कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह से लेकर हर एरिया में हर क्षेत्र में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको अगर किसी ने पूरा किया है तो वो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर कमल अरोड़ा साहब जो जीते थे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं चौधरी साहब देखो क्या बात है अब विराजो भारतीय जनता पार्टी आज के इस दिन जो एक जन समुंदर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है मैं दिल की गहराई से आप तमाम साथियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर आपका वेलकम करता हूं। साथियों ये भारतीय जनता पार्टी हम सब की पार्टी है ये गरीबों की मजदूरों की किसानों की ये हिंदू की ये मुसलमान की ये गुज्जर की बकरवाल की ये पहाड़ी की ये सब की पार्टी है ये देश की पार्टी है। इसलिए मोदी साहब ने नारा दे दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सब हमारे हैं कोई पराया नहीं है और हमने सबको साथ लेके चलना है। इसलिए मुझे खुशी है बेहद खुशी है ये जन समुंदर आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है जितना जन समुंदर यहाँ है इससे चार गुना बाहर है हर एक को मौका लगेगा और ये जन समुंदर ये कह रहा है ये इशारे दे रहा है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं पूरा जम्मू कश्मीर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देगा और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा ये जन समुंदर देख के मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं। साथियों आज ज्यादा न बोलते हुए हमारे बीच हमारे बड़े भाई और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब हमारे बीच में है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इससे पहले कि जॉइनिंग का क्रम हम शुरू करें श्रीमान तरुण चुग जी अपने दो शब्द आपके बीच में रखेंगे। दूसरी पार्टियों के अंदर होते थे जब उन्होंने देखा
जिले उन्हें दिखा कि सारे मुखी है और सारे लंबे पे ही है और उन्हें दिखे जजाकार वादी है और इस जजाकार च बहुत ही सारे मान योग आदरणीय पूर्व जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री रह रहे जनाब प्रेम सागर अजीज साहब, जोरदार तालियां। प्रेम सागर जी बहुत ही पूजा पाठी नित नियमी वृंदावन गए रहे माता की पूजा करा रहे हैं। असें आख्या पूजा करनी है तो इधर आओ उधर नहीं जाओ। आप सबका बहुत स्वागत है। रात को मेरे को रविंदर जी और दविंदर जी दोनों बता रहे थे कि यहाँ लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे गुज्जर भाई आए हैं, इनके हिस्से की सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में पकड़ा दी। यहाँ बहने बैठी, इनको न्याय नहीं दिया गया, ऐसे जकड़ के रखा था। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के गरीब को, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाई को, जम्मू कश्मीर के बकरवाल को, जम्मू कश्मीर की बहनों को, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की आजादी के 7 दशक बाद आजादी का मजा दिया है। तो आप सबका स्वागत है। लंबी बातें फिर करेंगे लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता का चाहे वो एनसी छोड़ के आया है, चाहे वो कांग्रेस छोड़ के आया है, चाहे वो पीडीपी छोड़ के आया है, खुले दिल से हम स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं। और आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा पार्टी में, पूरा स्थान मिलेगा। और आपसे भी मेरा निवेदन है, मैंने दविंदर जी को कहा आप नीचे को बैठे, कहते मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस कार्यक्रम का मैं भी होस्ट हूं, कुर्सी पहले नए कार्यकर्ताओं को देनी है, मैं इसलिए नीचे बैठा हूं। आए थे वो भी यहाँ है, जो आज आए हैं वो भी यहाँ है, और कल आने वालों के लिए भी गेट खोल के रखना है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बनना है और जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय कहने वाले, भारत माता की तिरंगे से प्यार करने वाला, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे। और ये जो समुंदर दिख रहा है राणा जी, जी वड्डा करना पैना है। अगली ज्वाइनिंग बार ग्राउंड जो होगी, क्या चाहे हम सिंबॉलिक रूप से यहाँ 5-7 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, लेकिन मान लीजिए सबके गले में पटके डाले जाएंगे, एक भी कार्यकर्ता इनके साथ जो आया चाहे वो बूथ पे बैठने वाला है। अरोड़ा साहब जी, जी सर, भाई साहब मेरे कहाँ गए भाई साहब?